पहली बार जब आपने इस बॉल को देखा होगा तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, क्या यार बीच में दीवार आ गई। पर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत 2 BHK दिखाने जा रही हूं। ये घर तो खूबसूरत है ही, प्लस यहाँ का जो इंटीरियर है वो बहुत डिसेंट है और साथ में वो रिच लुक देता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको हर फ्लैट में एक प्राइवेट लॉबी मिल जाएगी और जिसका बेनिफिट ये हो सकता है कि आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं शू रैक डिजाइन। तो फिर चलिए हम चलते हैं अंदर की तरफ। और ये है इस घर का लिविंग रूम। अगर आप यहाँ पे एल शेप का सोफा लगाते हैं, अगर आप वो सोफा दीवार के साथ मिलाएंगे तो फिर आपको लिविंग रूम में और भी ज्यादा जगह मिल जाएगी घूमने के लिए। तो फिर चलिए अब चलते हैं बालकनी की तरफ। और यहाँ पे आ जाती है इसकी बालकनी। और बालकनी का सबसे अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे दीवार तो है, प्लस यहाँ पे आपको ग्लास मिल रहा है जो एकदम दीवार से टच करके शुरू होता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो फ्रीली उन्हें बालकनी में छोड़ सकते हैं, गिरने का डर नहीं है। बिकॉज यूजुअली बालकनी में जो ग्लासेस होते हैं, दीवार और ग्लासेस के बीच में गैप होता है, तो बच्चों की सेफ्टी को लेकर थोड़ा डर लगता है, बट यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं। तो फिर चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और यहां पे आ जाती है इसकी किचन। और ये है इस फ्लैट की किचन जिसका साइज है 10x8। और इसी किचन में आपको साथ में ही मिल जाती है जगह यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, और इस साइड में आप लगा सकते हैं अपना फ्रिज। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे हमें जगह मिल जाती है डाइनिंग टेबल लगाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको डाइनिंग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस स्पेस को और भी ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं यहाँ पर बीन बैग रखकर। और आपने ये वॉल तो नोटिस की होगी, पहली बार जब आपने इस वॉल को देखा होगा तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, क्या यार बीच में दीवार आ गई। बट इस दीवार का आप यूज कर सकते हैं मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पे कॉर्नर फिटिंग्स लगा सकते हैं और आपके या आपके बच्चों की ट्रॉफीज यहाँ पे रख सकते हैं, और नीचे आप यहाँ पे लाइफ प्लांट रख सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं करना, अगर आपको शौक है बुक रीडिंग का, तो इस कॉर्नर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बुक रैक बनाने के लिए। तो फिर चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पे आ जाता है इस रूम का कॉमन बेडरूम जिसे आप यूज कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए भी। प्लस अगर आप इसका इंटीरियर देखेंगे तो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे बंकर बेड लगाया है जिससे इस रूम की खूबसूरती बढ़ गई है। प्लस यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आप एक छोटे से रूम को किस तरह से और भी ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करके दिखाया है, प्लस यहाँ पे स्टडी टेबल लगाकर दिखाया है। और अगर आप थोड़ा और अंदर आएंगे इस तरफ तो यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है कबर्ड लगाने के लिए। प्लस जब बंकर बेड होता है तो उसके नीचे हमें स्पेस मिलती है जहां पे आप अपने बच्चों के टॉयज रख सकते हैं, तो इस तरह से आप इस रूम की स्पेस को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पे आ जाता है कॉमन वॉश बेसिन। और प्लस आप चाहें तो यहाँ पे लॉफ्ट बना सकते हैं, जो छोटा मोटा घर का सामान होता है स्टोर करने के लिए वो ऊपर रख सकते हैं, प्लस इसके नीचे भी आप स्टोरेज के लिए जगह बना सकते हैं। तो फिर चलिए अब यहाँ पे आते हैं।
और यहाँ पे आ जाता है इसका वॉशरूम, जिसके फिटिंग्स सैरा कंपनी के हैं, जो काफी फेमस है, तो फिर आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है मास्टर बेडरूम, और जैसे ही हम इस मास्टर बेडरूम के अंदर जाते हैं, हमें छोटी सी लॉबी मिल जाती है, तो इस दीवार का आप यूज कर सकते हैं पेंटिंग्स लगाने के लिए। तो फिर चलिए अंदर की तरफ। और यहाँ पे आ जाता है इस रूम का मास्टर बेडरूम, तो आप देखिए इसका इंटीरियर बहुत सिंपल है, बहुत डिसेंट है, लेकिन सच में बहुत ज्यादा रिच लुक देता है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है स्टैंडिंग बालकनी, और जो इस स्टैंडिंग बालकनी का कारपेट एरिया है वो आपके फ्लैट के कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। तो जब आप बोर हो, आपका मन करे कुछ करने का, तो आप आराम से यहाँ पे खड़े होके बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। और यहाँ पे आ जाता है मास्टर बेडरूम से अटैच वॉशरूम, और सच में ये वॉशरूम बहुत खूबसूरत है। और जैसा आप ये वॉशरूम देख रहे हैं, जब आप अपना फ्लैट बुक करने के लिए जाएंगे तो आपको सेम फिटिंग्स के साथ में ऐसा ही वॉशरूम मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है आपका वार्डरोब डिजाइन करने के लिए, और आप इसका इंटीरियर देखिए, सच में आपको अच्छा लगेगा। तो फिर चलिए आप वॉशरूम देख लीजिए। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। जो फ्लैट आपने देखा, इसका कारपेट एरिया है 655 स्क्वायर फीट, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस फ्लैट का प्राइस है 46 लाख रुपीस, जिसमें इंक्लूडेड है कवर पार्किंग। तो आपको कवर पार्किंग के लिए कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एमिनिटीज की, तो यहाँ पे आपको सारी प्रीमियम एमिनिटीज मिल जाती है, जैसे कि क्लब हाउस, गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे मिल जाती है को वर्किंग स्पेस, जिसका अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो आपको को वर्किंग स्पेस के लिए बाहर जाके एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको ई चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लेते हैं इस प्रोजेक्ट में 2 BHK, कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें लोकेलिटी की, तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट की दूरी में सब कुछ अवेलेबल है। आपको मिल जाएंगे यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, प्लस यहाँ पे हिंजेवाड़ी भी 15 मिनट की दूरी पे है, प्लस यहाँ से चाकन भी 15 मिनट की दूरी पे है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है, कोई चाकन में जॉब करता है, दूसरा हिंजेवाड़ी में, तो उनके लिए ये सेंटर पॉइंट हो जाता है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो भी आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस हाईवे के पास में। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो एक बिल्डिंग का पोजीशन अभी है दिसंबर 22 में, और दूसरी बिल्डिंग का पोजीशन है दिसंबर 23 में। और अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, या फिर आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की और भी ज्यादा डिटेल्स, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम देगी आपके सारे सवालों के जवाब। और हम काम करते हैं पर्सनल लेवल पे, जिसमें हम आपको देते हैं पर्सनल गाइडेंस। हम आपसे कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं लेते हैं, हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री है।
और हम आपसे दूर हैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। तो फिर जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। थैंक यू।